के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फोर मस्ट हैव जीन्स जो आपके वार्डरोब में डेफिनेटली होने ही होने चाहिए, बिकॉज ये सभी के साथ चल जाते हैं, चाहे वो शर्ट हो, टी शर्ट, टैंक टॉप, ऑफ शोल्डर कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती, सभी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आप है डेनिम लवर और आप सिर्फ डेनिम जीन्स पहनते हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैं इसमें फैशन टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एक्चुअली जीन्स ना सुपर वर्सटाइल होते हैं, इसे आप शॉपिंग, आउटिंग, डेटिंग, कॉलेज डेज, इवन पार्टीज में भी पहन सकते हैं, कभी भी कहीं भी पहना जा सकता है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी लेट, ना किसी का वेट किए, लेट्स गो ऑन द वीडियो। और मस्ट हैव जीन्स जो आपके वार्डरोब में डेफिनेटली होनी चाहिए, उससे पहले जीन्स की टाइप्स कितनी होती हैं, दे आर थ्री टाइप, हाई वेस्ट, लो वेस्ट एंड मिड वेस्ट। फर्स्ट आई हैव दिस ब्लू डार्क जीन्स जो कुछ इस तरह की है, सुपर कंफर्टेबल एंड इसकी फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये सारे टॉप्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से फिट बैठती है। मैंने यहाँ पर कैरी किया है दिस ऑफ शोल्डर टॉप, इस बीच कलर जो इसके साथ बहुत अच्छी तरीके से मैच होती है। टोटली अप टू यू कि आप इसको किसके साथ कैरी करना चाहते हैं, मतलब किस कलर के साथ कैरी करना चाहते हैं, बट ये सारे कलर्स के साथ अच्छे तरीके से फिट होती है, बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो आपके वार्डरोब में कुछ इस तरह की डार्क ब्लू जीन्स डेफिनेटली होनी ही होनी चाहिए। सेकेंड जीन्स जो आपके वार्डरोब में डेफिनेटली होनी चाहिए वो है ब्लैक जीन्स। ब्लैक कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं सारे इंडियन स्किन टोन्स पे, और ये सारे कलर्स के साथ अच्छी तरीके से मिक्स मैच हो जाते हैं। सो मैंने यहाँ पे स्टाइल किया है कुछ इस तरह की रेड कुर्ती के साथ, लॉन्ग कुर्ती के साथ भी आप इनको वेयर कर सकते हैं। और ये जीन्स मिड वेस्ट की जीन्स है जिसको आप आराम से इजीली शॉर्ट कुर्ती टॉप के साथ कैरी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सिर्फ और सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता, जनता को चाहिए दिखाना। तो मैं साइड में स्क्रीन में आपको इस तरीके से पिक्चर्स या वीडियो शो कर दूंगी कि किस तरीके के लगते हैं ब्लैक जीन्स कुर्ती के साथ, शॉर्ट कुर्ती के साथ, ये सारे ही टॉप्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सबके साथ ये बहुत अच्छे तरीके से जाता है, इवन शाइन भी ऐड करता है। ब्लैक कलर्स तो सभी के पास डेफिनेटली वार्डरोब में होने ही होने चाहिए। हर जीन्स जो आपके वार्डरोब में डेफिनेटली होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड हाई वेस्ट जीन्स, एंड ये पूरी की पूरी डैमेज जीन्स है जो कुछ इस तरह की है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्रॉप टॉप के साथ। पर्सनली मुझे ये जीन्स बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसको मैं कैरी करती हूँ अपनी क्रॉप टॉप के साथ। मिड जीन्स और लो वेस्ट जीन्स उतनी अच्छी नहीं लगती है क्रॉप टॉप के साथ, बट हाई वेस्ट जीन्स बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है क्रॉप टॉप के साथ, और मुझे क्रॉप टॉप पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, दैट्स वाई मुझे ये जीन्स बहुत पसंद है। हाई वेस्ट जीन्स तो कुछ इस तरह की होती है हाई वेस्ट जीन्स, इसको आप क्रॉप टॉप के साथ कैरी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पेयर किया है अपनी ब्यूटीफुल क्रॉप टॉप, दिस इज अ कलर पर्पल कलर। एंड सेकंड, अगर आप शर्ट या फिर टी शर्ट, टॉप्स वगैरह टक इन करके पहनते हैं तो डेफिनेटली आपके वार्डरोब में एक हाई वेस्ट जीन्स होनी चाहिए, इससे बहुत ही अच्छा ओवरऑल लुक आपका इन्हेंस होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता है। और मैं टी शर्ट्स वगैरह टक इन करके पहनती हूँ तो ये मेरे काम भी आ जाता है, हाई वेस्ट जीन्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है अगर आप टक इन करके पहनते हैं शर्ट, टी शर्ट, टॉप्स वगैरह। सेकेंडली, अगर आप अपने आप को, मतलब अपने को पूरा टॉलर लुक दिखाना चाहते हैं तो हाई वेस्ट जीन्स डेफिनेटली आपके वार्डरोब में होनी चाहिए, ये आपके लुक को ना टॉलर दिखाता है। इस वन ऑफ माई फेवरेट जीन्स क्योंकि इसको मैं क्रॉप टॉप के साथ शर्ट टी शर्ट को टक इन करके अपने आप को टॉलर दिखाने के लिए भी आप ऐसी जीन्स को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, आपके वार्डरोब में होनी ही होनी चाहिए। फोर्थ, आई हैव दिस ब्लू शीनी जीन्स जो आपके वार्डरोब में डेफिनेटली होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा शाइन ऐड करता है ओवरऑल और आपके लुक को। और इसको मैंने पेयर किया है अपनी टैंक टॉप के साथ, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं टैंक टॉप के साथ, ये हाई वेस्ट जीन्स है। अगेन मैंने कहा कि मुझे हाई वेस्ट जीन्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे मेरे पास कलेक्शंस में कुछ एक जीन्स हैं जो हाई वेस्ट की हैं, बिकॉज मैं टैंक टॉप, क्रॉप टॉप ज़्यादा पहनती हूँ, तो इसलिए भी आपको हाई वेस्ट जीन्स डेफिनेटली अपने वार्डरोब में रखनी चाहिए। एंड दिस कलर इज़ मोस्ट कंपल्सरी कलर, क्योंकि ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं हमारे इंडियन स्किन टोन्स पे, इवन सारे टॉप्स के साथ ही अच्छे तरीके से मिक्स मैच चले जाते हैं, तो दिस कलर इज़ सो कूल। तो आपके पास ऐसी कलर की जीन्स ज़रूर होनी चाहिए अपने वार्डरोब में। ये किया है आप इसको टैंक टॉप के साथ, ऑफ शोल्डर टॉप के साथ, नॉर्मल टॉप के साथ, टी शर्ट के साथ, शर्ट के साथ, प्लेन टॉप के साथ इसको कैरी कर सकते हैं, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। अगर आपके पास कुर्ती है कुछ इस तरह की शॉर्ट लेंथ की तो इसको भी आप अपने डेनिम जीन्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं,
और इस तरह की लॉन्ग कुर्ती को भी अपनी डेनिम जीन्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं। अगर आप लैंगीज पैंट ट्राउजर वगैरह पहनना नहीं चाहते हैं तो उसको जीन्स के साथ भी स्टाइल किया जा सकता है। मैं मैक्सिमम टाइम जीन्स के साथ ही इन कुर्ती को वेयर करती हूँ जो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मुझे अलग से जैगिंग्स लैगिंग्स पैंट ट्राउज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं इनको सिंपली जीन्स के साथ कैरी कर लेती हूँ। तो डेफिनेटली ये 4 जीन्स आपके वार्डरोब में होने ही होने चाहिए। ये तो थे मस्ट हैव जीन्स जो आपके वार्डरोब में डेफिनेटली होने चाहिए। अगर नहीं है तो इनको अपने वार्डरोब में ऐड कीजिए। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आपके काम जो है वो थोड़े बहुत आसान हो सके। अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा इसको फैमिली और फ्रेंड के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए। मैं फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे ही अमेजिंग से वीडियो DIY हैक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बिलीव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, लव यू गाइस, टाटा, बाय बाय।